आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आज के डिसीजन कल होम मिनिस्ट्री के साथ हमारे वेटरन लीडर्स मिले हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी बात हुए हैं। बातचीत अच्छा होने के बाद अच्छा आप लोगों ने देखा होगा हमारे वेटरन लीडर्स और सेंटर के मिनिस्टर किरारी जीजू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो हमेशा ही बीजेपी लद्दाख के हित में अच्छा ही करते हैं, तो अभी भी अच्छा हो रहे हैं, तो हम इस स्टेप का बहुत वेलकम करते हैं। और बाकी कल का आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये होगा, कल हमारे सेंटर से नेशनल लीडर्स और मंत्री साहब भी इधर आएंगे, तो कल बहुत ब्रीफ में किस तरीके का क्या होगा वो सारा कुछ हमारे नेता बताएंगे। सर, बीजेपी की यहाँ के जो लीडर्स हैं आप लोग हैं, अभी तक सिक्स शेड्यूल तो खुल के नहीं बोला, लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फैसला आया है कि सिक्स शेड्यूल पे भी हम बात करेंगे, तो आप कैसे अभी तक आप लोग क्यों नहीं बोल रहे थे? ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने नहीं बोला है। आप लोगों का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा डिबेट हुआ था उसमें मैंने बोला था सिक्स शेड्यूल तो क्या है उससे बड़ा ही देंगे। तो सिक्स शेड्यूल पे नहीं बोलने का कोई वो नहीं है, लेकिन उससे बड़ा, उसे ऑथेंटिक जो लद्दाख के लिए सूट होगा वैसा ही होना चाहिए। लेकिन इस पे निर्णय पे मैं अच्छा मेरे को ये लगेगा, कल हमारे नेता आए, मिनिस्टर आए, तो वो पूरी तरह आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। सर, ये जो डिसीजन अभी जो मिनिस्ट्री ने लिया है, तो उस डिसीजन में आने वाले काउंसिल इलेक्शन के लिए बीजेपी के लिए कितना बेनिफिट रहेगा? अब तो पूरा बेनिफिट होगा, जैसे जो जैसे अभी मैंने सुना बीजेपी को मांग करने के लिए कोई ऐसा कुछ सॉलिड चीज ढूंढना होगा ओपोजिशन को, जो भी बोलेगा बीजेपी दे देंगे। यूटी मांगा, यूटी दिया, डिवीजन मांगा, डिवीजन दिया, अभी सेफ गार्ड जो सिक्स शेड्यूल के लाइन के हिसाब से बीजेपी का मंशा ऐसा कभी नहीं होते। बीजेपी लद्दाख के लिए बेस्ट जो सुइटेबल चीज चाहिए, हमारा डिमांड सॉलिड होना चाहिए, सारा कुछ बना देंगे। कल को फिर सिक्स शेड्यूल लद्दाख को मिल गया, तो ये बीजेपी के लिए ड्रॉबैक नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी कभी ओपन रहा ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या आपके एमपी साहब हो या जो भी हो, सीधा सिक्स शेड्यूल कभी नहीं बोला था उनको, तो कल अगर मिनिस्ट्री सिक्स शेड्यूल है तो ये एक ये देखिए आप लोग को जो भी देना है बीजेपी ने, अच्छा ही बीजेपी ने देना है, तो बीजेपी का ड्रॉबैक कहाँ से आएगा? बाकी उनसे पूछो, ड्रॉबैक तो कई लोगों का, ये सिक्स शेड्यूल आप लोगों का इतना मांगेगा जितना अपोजिशन का मांग रहा है, तो अगर वो अगर फुलफिल होंगे तो फिर अपोजिशन वाले मतलब बोलेंगे हमारा ही मांग था रूलिंग का, तो आज तक अभी तक क्योंकि आज सिक्स शेड्यूल नहीं बोला, फेवर में नहीं थे, हम फेवर में नहीं हो तो कौन देगा? तो सर, अगर देखिए अभी आप लोगों ने सुना होगा इलेक्शन ओवर होने के बाद 15 दिन के बाद उस पे पूरे ले लद्दाख कारगिल सारे लीडर्स बैठकर लद्दाख के लिए क्या चाहिए, किस टाइप का चाहिए वो तय होना है ना, तो वो जो चाहिए वो भी जब देंगे। सारे डिटेल्स का बीजेपी ने ही तो वेटरन लीडर्स को होम मिनिस्ट्री पे बुलाया है, अभी जो आपने देखा है ना जो ऐसा नहीं होते हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं होते इलेक्शन के लिए करेगा। आप लोगों ने पिछले कई सालों से सुना होगा यूटी कोई नहीं दे पाएगा, बीजेपी को यूटी मांग लो यूटी नहीं देगा, दिया ना, अब वही छोटे मोटे चीज तो सब देंगे। तो सर, अभी हाल ही में जो एपेक्स का जो कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आप लोगों ने उसमें ज्वाइन नहीं किया सर, हालांकि आप लोगों को वहाँ पे बुलाया भी था। देखिए सिक्स शेड्यूल के नाम पे हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समतान साहब ने उस रेजोल्यूशन पे साइन किया कि नहीं जी। तो ये सारा बीजेपी तो हमेशा लद्दाख के साथ रहते हैं ना, बाकी ये इसको बाकी तो जो दिन वो ज्वाइन क्यों नहीं किया सर आप लोगों ने? किसने ज्वाइन नहीं किया सर? जो साइन करने के बाद तो एपेक्स बॉडी का दो तीन मीटिंग हुआ, उसमें मतलब हमने एपेक्स बॉडी से पूछा था, तो बोलते हैं बीजेपी मीटिंग में आना बंद किया, काफी फोन किया। ऐसा हमारे तरफ से बन कुछ नहीं है, हमने हर हमेशा लद्दाख के हित के लिए जो भी मीटिंग हो सब कुछ ज्वाइन किए हैं। हाल ही में जो हुआ था उसमें जो अभी तो आप देखिए ना, हमारा नेशनल के लीडर्स के साथ वेटरन लीडर्स मिलकर डिसीजन दे रहा है बीजेपी, लेकिन नहीं तो ज्वाइन हो रहा है ना, वो तो एक प्रेशर
प्रेशर भी बन गया था क्योंकि इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया था। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जब इलेक्शन अगर बॉयकॉट सक्सेसफुल होता है तो कल आप लोगों को पूरी तरह आपको बताएंगे। हमारा नेशनल लीडर्स और वेटरन लीडर्स भी आ रहे हैं पूरी तरह जो मीटिंग में हुआ। हम तो होम मिनिस्ट्री ने जो इनिशिएटिव लिया उनको बुला के डिस्कशन होकर ये एकदम इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया। बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सर। जुले साहब।